वेल वेल वेल, कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ लेट्स प्ले। लेट्स प्ले का छठवां एपिसोड है। पता है बहुत दिक्कत हुआ भाई, बहुत दिक्कत हुई हुआ है हमको हनी ब्लॉक लाने में। ये हनी ब्लॉक आता ही नहीं रहा था भाई। पता है आपको कैसे हनी ब्लॉक लाना है? आप यहाँ पे एक फूल लगाओ, एक पेड़ लगाओ, उसके बाद से फिर यहाँ पे उसको बोन मिल करोगे तो हनी ब्लॉक आएगा। यार हनी ब्लॉक के बिना काम नहीं चला था। पता है हमारा अब आगे का पर्पज क्या है एंडर ड्रैगन को हराने के बाद से ना, कि खूब सारा फार्म्स बनाने। भाई जितने आइटम के फार्म्स बना सकते हैं ऑटोमेटिक, हम उतने आइटम के ऑटोमेटिक फार्म्स बनाएंगे। जैसे वहाँ पर अपना अपना ये मॉ फार्म तो है ही, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर ये आयरन फार्म बनाएंगे, फिर वीट फार्म बनाएंगे। तो उसके लिए पिस्टन लगता है, ठीक है? ये पिस्टन बनाने के लिए आपको स्लाइम ब्लॉक लगता है। स्लाइम ब्लॉक भाई तुम देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ कहाँ स्लाइम ढूंढने जाएंगे, मेरी तो दुनिया की ही लंका लगी हुई है। तो इसलिए हमको ना ये वाला बनाना पड़ा था, ये हनी ब्लॉक। हनी ब्लॉक के लिए हमको हनी चाहिए और हनी के लिए कहीं बी था नहीं, तो हमने इसको ऑटोमेटिक इसको करने के लिए यहाँ पे कोशिश भी करी थी। ये देखो ये हमने डिस्पेंसर लगाया है और ऑब्जर्वर लगाया है ताकि ऑटोमेटिक हनी, देख रहे हो, हनी के लिए बोन मिल हो जाए। और यहाँ पर हमने अपना पेड़ लगा दिया था, ये देखो पेड़ कहाँ गया, पेड़ हम यहाँ से मैनुअली करते थे। तो ये मतलब कि हो नहीं रहा था यार, मतलब बहुत मेहनत लग रहा था इसको करने में, तो ये मतलब हो ही नहीं रहा था। ये हम अपने से कहीं से कॉपी नहीं किया, हम सोच रहे थे अपने से कोई दिमाग उमाग लगाए। अभी रेडस्टोन भी हमको सीखना है, रेडस्टोन में थोड़ा सा और एक्सपर्ट बनना है, थोड़ा सा क्या बहुत एक्सपर्ट बनना है। तो आगे चल के वो काफ़ी सारे मतलब बहुत तरीके के फॉर्म्स बनाने हैं इस वर्ल्ड में ना, कितने सारे फॉर्म बनाएंगे, इतने सारे फॉर्म बनाएंगे, क्या बताएं। हर चीज़ का ऑटोमेशन करना है हमको, बट फिलहाल के लिए हम लोगों ने ऐसे स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद से हम नेदर में भी गए थे, तो नेदर में जाने के कारण आप देखिएगा हमको एकदम नेदर का ये सब कुछ कुछ टूल्स हैं, आर्मर्स मिले हैं, ठीक है? ये देखिए नेदरराइट का इंचैंटमेंट वाला है हमने किया था, उसके बाद से ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन इसके लिए हमको वो नहीं मिल रहा था यार, नेदरराइट मिल नहीं रहा था, तो हमने इसको किया नहीं। देखो खूनी कुल्हाड़ी हमने बनाया इसको, ये देखो मौत का सौदागर, मौत का सौदागर। इसमें भी पता है शार्पनेस 2 होगा, इसमें शार्पनेस 5 हमको लाना, ठीक है? जल्दी मिल नहीं रहा है इंचैंटमेंट। देखो मेरा इंचैंटमेंट लेवल 1 है। हमने मतलब कि काफ़ी सारे मॉब की किलिंग करी। आज का बताएं टारगेट क्या है ना, आज की टारगेट यार कि हम आपको आज अपना नेदर दिखाना चाहते हैं। चलिए नेदर में हम कुछ हल्का फुल्का चेंजेस किए एनवायरनमेंट का, तो चलिए हम आपको अपना नेदर का सैर कराते हैं। और थोड़ा डरावना होने वाला है क्योंकि नेदर यार थोड़ा खतरनाक हो चुका है। नेदर हमेशा से ही खतरनाक था, पता ही नहीं चलता है कि नेदर में वाइड है कि वाइड में नेदर है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेदर में। कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने चेंज कर दी। ये देखिए ये है अपना नेदर, आइए हम आपको नेदर का सैर कराते हैं, ठीक है? तो हम लोग ईस्ट की तरफ चलते हैं ताकि कहीं खोए नहीं, ऑलराइट? और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए ये है अपना नेदर, नेदर का हाल बहुत अलग हो चुका है भाई पहले से, ये देख रहे हो। इसलिए हमको इलेक्ट्रा की जरूरत थी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रा का हम कैसे ऐसे उड़ते, देख रहे हो कहाँ कहाँ कैसे कैसे। अगर जो आप यहाँ पे खो जाओ भाई, कहीं कोई छोड़ दे, कहीं इलेक्ट्रा टूट गया मेरा, देखो कहीं इलेक्ट्रा मेरा टूटे नहीं ना, इलेक्ट्रा मेरा टूटे, ये क्या आगे मेरा इलेक्ट्रा टूट जाएगा ना, ये देखो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी 347 है, तो मेरे इलेक्ट्रा कहीं टूट के बर्बाद ना हो जाए ना, इसलिए मैं ना हमेशा। अच्छा पता है आप ये बेडरॉक पर कुछ प्लेस नहीं कर सकते, तो हमको एक लेवल डाउन जाना पड़ेगा। चलो हम यहाँ जाते हैं, ठीक? राइट, ये देखिए हमने एक इलेक्ट्रा एक्स्ट्रा में रखी है, हमने ये फायरबग रॉकेट रखी है, ये सब एक्स्ट्रा में रखी है ताकि सेफली निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम खो गए तो हम अपना आइटम नहीं ले पाएंगे। मेरा सारा नेदराइट का सोर्ड, जितने भी इलेक्ट्रा है आइटम से, सारा सब कुछ बर्बाद चल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। देख रहे हो कच्चा नेदर लग रहा है यार भाई, अगर जो ऐसा नेदर में आपको पैदल जाना पड़े तो क्या ही हाल होगा। आइए चलते हैं यहाँ हम लोग नेदर फोर्ट्रेस में, फोर्ट्रेस भी गजब का लग रहा है, क्यों? ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो गजब का लुक हो गया नेदर का। पता है नेदर में सबसे ज्यादा खतरा हमको पता है ब्लेज रॉड से होता है। ब्लेज रॉड यार लेने के लिए ना, ब्लेजेस के लिए ना, ओ माय गॉड। तो इसलिए पता है, इसलिए हम एंडर ड्रैगन को एपिसोड नंबर 3 में ही मार दिए थे, क्योंकि यार बिना एंडर ड्रैगन को मारे हमको इलेक्ट्रा मिलता नहीं, इलेक्ट्रा मिल भी जाता तो वापस बिना एंडर ड्रैगन को मारे आ नहीं सकते थे, तो एक तरीके से वो जरूरी था। अब चलिए वापस चलते हैं। तो हमको आपकी ये देख रहे हो भाई, क्या कमाल का लुक है, एकदम मतलब गजब का लग रहा है, देख रहे हो। पता है ये सेटिंग भले जो लोग करते हैं उन्हीं को पता होगा, ऐसा सेटिंग करने में ना बहुत मेहनत लगता है। ये क्या है, हम मतलब उम्मीद करते रहते हैं ना कि साइड से कहीं मेरे को नेदरराइट दिख जाए ना यार, थोड़ा सा एंशियंट डिब्री मिल जाए ना, तो मैं कुछ नेदर का कुछ और टूल्स बना लूँ। मेरा अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरा एक्स नहीं है नेदर का, और मेरा वो भी नहीं है जो पैर में पहनते, क्या कहते हैं इसको, बूट्स भी नहीं है,
अरे यार ये तो पिगलिंस हैं। देखो ये देख रहा हूँ मेरे को एंशिएंट डिब्री, एंशिएंट डिब्री कभी ओपन में मिलता ही नहीं जहाँ तक हम जानते हैं। एंशिएंट डिब्री मिलेगा वही रखा हुआ कहीं पे, जब का लुक हो गया है ऐसा वर्ल्ड में, पता है सर्वाइव करने के लिए बिना एलेटर का क्या मुश्किल ही है भाई, मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है तो चलिए देखिए, सोल सैंड वैली है, मेरे को थोड़ा सा वैसे सोल सैंड चाहिए थी क्योंकि वो फार्मिंग भी तो करनी है ना। चलिए थोड़ा बड़ा सोल सैंड ले लेते। ओह माय गॉड भाई हमारा तो मार लेगा, एक बार मारो, बेकार है और फाइव है, लेकिन इसमें इन्फिनिटी नहीं, इसमें इन्फिनिटी वाले इंचैंटमेंट मिलाना है। ठीक चलो उड़ते हुए एक बार गैस गैस को मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है उड़ते हुए गैस को मारने की कोशिश करते हैं। अरे मरा नहीं गजा, नहीं मारे। अरे बूम, अरे यार हमें गैस को नहीं मार पा रहे हैं, इसे लिटरा के लायक नहीं है, हम मर गया। ए बाबू तुमको तो मैं यूं उड़ा दूंगा। अरे यार अभी मेरा नेदर साइड नेदर राइट सोड गिर जाता पानी में, पता पानी में नहीं लावा में गिर जाता है यार, मैंने गलत बटन दबा दिया था। ये कैसा है यार बक्सा जैसे बना हुआ है ये। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है हमको नेदर में रहना कुछ बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, वो तो हम आपको एक बार दिखाना चाह रहे थे कि मेरा नेदर ऐसा दिखता है भाइयों और उनकी बहनों। गजब लग रहा है, देख रहे हो। तो देखो अपना सीरीज कैसे प्रोग्रेस करना है। ठीक है अपने सीरीज ऐसे प्रोग्रेस करना है कि कई सारे मॉब फार्म्स बनाने हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें करनी, काफ़ी सारी नई चीज़ें करनी। जैसे आप ट्यूटोरियल देखे तो ट्यूटोरियल जैसे ही इतने बना सकते हो, आप कुछ नया नहीं क्रिएट कर सकते हो, तो वो सब मेरा एक तरीके से टारगेट है वैसा कुछ क्रिएट करना। लेकिन यार वैसा क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमको बेसिक में काफ़ी सारे आयरन का ज़रूरत पड़ेगा, काफ़ी सारे बेसिक मटेरियल्स का बहुत ज़रूरत पड़ेगा, और वो यार बिना प्रॉपरली फार्म बनाए हुए यार हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि बैठ करके मैं उसको बिना फार्म बनाए उसको नहीं कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। ये क्या है वैसे? ओह ये तो चलिए हमको अपना वापस आना था ना हमको बेस पे। कहाँ गया अपना नेदर पोर्टल? नहीं नेदर पोर्टल कहाँ गया, यहीं कहीं होना चाहिए। ओके मिल गया, आ जाओ। तो ये थी अपनी एक छोटी सी नेदर की, पता हम जब भी आते हैं ना ये हम ये करते हैं, इसको तो चढ़ाएंगे। ओए ओए दिख ही नहीं रहा इधर, डर गया हमसे। रात हो गया, पता है मेरे को से ना कभी भी ना यार जल्दी घर और तो नहीं बनता यार। हम घर बनाएंगे आगे चल के, हम घर और बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। देख रहे हो अभी तो खुले में सो रहे हैं हम, हमारे पास नेदर राइट आ गया है, मेरे पास प्रॉपरली सब बहुत सारे आइटम्स आ गए हैं, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर बेस नहीं है, एकदम भिखारियों की तरह बाहर सड़क पर सो रहे हैं। क्या किया जाए यार, मेरे से बनता नहीं घर और, यार घर और बनाने में बहुत ज़्यादा मेरे को स्किल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बना लेते हैं, प्रैक्टिकल घर बनाते हैं। ये देखो यहाँ पिछली बार हम लोगों ने एक बंदे का नाम लिखा था जतिन नाम का, ठीक है। तो ये देखिए अगर जो आप बार बार कमेंट करोगे, कुछ सजेशन दोगे, मतलब ऐसे फ्रेंडली रहोगे ना, तो आपको भी यहाँ पे लिख देंगे। जनरली धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। तो यही मेरा प्रोग्रेस अपडेट था कि मैंने नेदराइट पा लिया है और मैं आगे चल करके काफ़ी सारे और मॉब्स हम बनाऊंगा। ये मेरा मतलब कि एक बेसिक पर्पस है, ठीक है। हमने कुछ बम्बूज भी लाए थे यार, बम्बू वम्बू पता है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बम्बू में भी लाया था हमने, तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बने रहिएगा साथ में। और जस्ट मेरा पता है ये मेरा ये वीडियो उनके लिए है ना, जो लोग थोड़ा सा खाते वक्त पीते वक्त या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा चिल करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा रिलेटेबल चीज़ें हों। देख रहे हो यार पता है हमको बहुत मेहनत लगता है यार, ये जो हनी वाला लाने के लिए ना, बी हाइव लाने के लिए बहुत मेहनत लगता है भाई, क्या बताएं कितना मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, हमको एक छोटा सा स्टेटस अपडेट देना था तो मैंने दे दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।